आज के ऐसे माहौल में जहां पर लोग अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, ऐसे कई लोग भी हैं जो अपने घटते हुए वजन से परेशान हैं और अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप में से कई लोगों ने किए थे कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं जिससे कि जो आपका वजन घटता चला जा रहा है आप उसे बढ़ा सकें, वेट गेन कर सकें। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज आपको ऐसे कई टिप्स बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने 20 से 30 दिन इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपका वजन रॉकेट के तरह ऊपर जाएगा, आपका वजन भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ आप हेल्दी भी बनोगे, फिट भी बनोगे। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि आपका वजन घट क्यों रहा है। सबसे पहली और मुख्य चीज, जब आपका वजन बहुत ज्यादा घटता चला जा रहा है तो इसका एक मुख्य रीजन है स्ट्रेस का लेना, बहुत ज्यादा चिंता करना। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा चिंता करते हो, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है और आपका वजन घटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये करें, आपके जो स्ट्रेस आप ले रहे हो इसे आप कम कर दो, डेट इज रियली इंपॉर्टेंट। जो दूसरी मुख्य चीज है वो है ईटिंग हैबिट्स का या लैक ऑफ मील्स का, यानी कि खाने पीने में कोताही का करना। अगर आप सही समय पर सही मील्स नहीं लेते हो, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपके शरीर को जरूरी है, और आप अगर इस तरह के फूड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका वजन घटता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सही टाइम पर अपना खाना पीना नहीं खाते हो तो भी आपका वजन घटता है। सो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सही वक्त पर अपने खाने का रूटीन सेट करें और सही डाइट लें, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, लैक ऑफ वर्कआउट। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, आज के इस दौर में, इस टाइम में वर्कआउट का होना जरूरी है, एक्सरसाइजेस का होना जरूरी है। अपने बिजी लाइफ से चंद मिनट निकालें, 20 से 30 मिनट वर्कआउट करें, एक्सरसाइजेस करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जो चौथी चीज है वो है जेनेटिक, एक कॉमन फैक्टर है जो कि आपके ऊपर भी असरअंदाज होती है। इसके अलावा अगर किसी तरह की इलनेस, किसी तरह की बीमारी होती है तो उससे भी आपका वजन रेगुलर घटता चला जाता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से अपने वेट को, वजन को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम हेल्दी बन सकते हैं, फिट बन सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको मार्केट से ड्राई डेट्स यानी कि जो सूखे हुए खजूर आते हैं आपको वो लेना है, और फिर इसे आपको मिल्क के साथ में यानी कि दूध के साथ में पेयर करके इस्तेमाल करना है। ड्राई डेट्स यानी कि जो खजूर है, जो सूखे हुए खजूर है, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी सिक्स, नियासिन और थायामिन, ये पैक्ड है रिच विटामिन से, मिनरल्स से, न्यूट्रिएंट्स से, तो इसलिए इसका आप इस्तेमाल कीजिए। यह हमारी हेल्थ और हमारी वेलनेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा ये एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, शुगर का, एनर्जी का और लोडेड ऑफ विटामिंस, जो कि आपके मसल को गेन करने में मदद करता है और आपका वजन बढ़ाने में हेल्पफुल है। जब आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करोगे ना, विद इन 20 to 30 days यानी कि 20 से 30 दिन में आपको आपका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जो दूसरी चीज आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, वो है बटर और शुगर को मिला कर करके आपको एक स्पून रोजाना लंच से पहले या फिर डिनर से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए बटर को शुगर के साथ में आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद कम से कम एक चम्मच एवरीडे आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका आप अगर रेगुलर इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर आप देखोगे कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको रिजल्ट विद इन 20 to 30 days आपको 20 से 30 दिन के अंदर में आपको आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो पेयर देम मिलाइए दोनों को साथ में, मिक्स कीजिए और लंच से पहले या फिर डिनर से पहले खाली पेट में इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आफ्टरनून स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, अपने मसल को गेन करना चाहते हो, तो वो जो दो टिप्स मैंने आपको दिया उसे आप रेगुलर इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ आफ्टरनून में कम से कम 45 मिनट का नैप लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका मसल रिलैक्स भी होता है और इसके साथ साथ
आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी स्ट्रेस खत्म होती है और इसके साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता है, गेन होता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पीनट बटर। पीनट बटर मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं और जो वर्कआउट वगैरह करते हैं उनके लिए पीनट बटर इज रियली इंपॉर्टेंट और बहुत ही कैलोरीज से भरा हुआ एक बेहतरीन चीज है और आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हो, मसल को बढ़ाना चाहते हो, मसल को ग्रोथ देना चाहते हो, तो पीनट बटर इसमें आपकी सहायता करता है, आपके मसल को ग्रो करने में आपकी मदद करता है। ये पावर पैक्ड है और इसमें फैटी एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिंस प्रचंड मात्रा में मौजूद है। कम से कम 2 से 3 चम्मच अगर आप पीनट बटर का डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हो तो फिर ये आपके वेट को बढ़ाने में मदद करता है, आपके मसल को बढ़ाने में मदद करता है। इसे आप ब्रेड के ऊपर में स्प्रेड करके इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज अ परफेक्ट रेमेडी फॉर द वेट गेन। यूज कीजिए रेगुलर बेसिस पे और उसके बाद आप देखिए कि 20 से 30 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट यू मिलना शुरू हो जाएगा। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज और वो ये कि बनाना शेक। बनाना शेक इज रियली डिलीशियस और न्यूट्रिशियस। ये हेल्दी भी होने के साथ साथ विटामिन से लैस है और आपको आपके वेट को गेन करने में, बढ़ाने में, मसल को बढ़ाने में, ग्रोथ देने में मदद करता है। और यही वजह है कि ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं वो बनाना शेक का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसके लिए एक बनाना बड़े साइज का 1 गिलास मिल्क में डालकर उसे मेश बना लेना है और इस शेक को आपको जो ब्लेंडर में आपने बनाया है उसे ब्लेंड करने के बाद इस शेक को आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है। तो ये वो कुछ चीजें हैं, ये वो 5 ऐसे प्रभावी टिप्स जो मैंने अभी आपको बताया है। इसका रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो विद इन 20 to 30 days आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज इसमें मैं आपको एड ऑन करूंगा जो कि आप एक्सटर्नल तौर पर एज ए सप्लीमेंट के तौर पर आप इसे इस्तेमाल जरूर कीजिए और वो है बिग मसल मास गेनर। ये हसाप के द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और आपके वजन को बढ़ाने में मदद करता है। पाउडर शेक के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ रियली इफेक्टिव, इट्स अ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट। चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। ये जो रियल मास गेनर चॉकलेट बार है इसे आप प्रोटीन शेक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे जरूर कीजिएगा और इसमें किसी भी हार्मफुल केमिकल वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।